हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष कुमार एंड आई एम टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। आई एम हियर टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी सिक्स क्लास, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाता है। आपको ये सारी छोटी छोटी बातें पता होगी क्या, कि मान लीजिए एक सूरज है, सन, इसको क्या कहेंगे हम, सन, सूरज। तो आपको ये पता है कि सूरज यानी सन और उसके आठ प्लैनेट मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। क्या होता है, आठ प्लैनेट है। आठ प्लैनेट को क्रम से याद करना, मतलब सीरियल में याद करना बहुत जरूरी है, बच्चे याद नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक टेक्निक होता है, आप क्या करो, मूव माइकल जैक्सन, डांस करने के फॉर्म में डांस, माइकल जैक्सन डांस करता है ना, माइकल जैक्सन, मूव माइकल जैक्सन। तो मूव में एम ओ वी ई होगा, ओ से कोई प्लैनेट नहीं होता है। कई बार पूछेगा अर्थ किसके बीच में है, जुपिटर कहाँ पे है, आप मतलब श्रेणी क्रम में, मतलब सीरियल से पांचवा प्लैनेट बताओ, तो ये आपको मदद करेगा। तो क्या कहना, मूव ओ नहीं लेना है, मूव में केवल एम ओ वी नहीं, सीधा एम वी, मूव माइकल जैक एंड सन, सन मतलब बेटा, मूव माइकल जैक्सन, कितना अच्छा याद है। अब इसे पूछेगा कि आठ प्लैनेट का नाम बताओ, दोज एट प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मेरे साथ आप बोलिए, एम से मरकरी, सबसे सूरज के सबसे नजदीक का प्लैनेट, सन के सबसे करीब का प्लैनेट, इसके बाद वीनस, अर्थ मतलब पृथ्वी, फिर मार्स मतलब मंगल कहते हैं हिंदी में, मार्स, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो सबसे दूर का प्लैनेट है। देर आर एट प्लैनेट्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि अर्थ के चारों ओर मूव करते हैं। तो आपको कहेगा सोलर सिस्टम क्या है, तो आप कहोगे सन एंड एट प्लैनेट्स, दिस फैमिली इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, मतलब सूरज सहित आठ प्लैनेट और भी है, लेकिन ये शॉर्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताया है। अब इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, आपने मैंने चैप्टर का नाम बता ही दिया, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब सौर परिवार में पृथ्वी, तो ज़्यादातर बातें पृथ्वी पर है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी बातें इसमें बताई गई है। द फर्स्ट थिंग इज सेलेशियल बॉडी, इसको हिंदी में खगोलीय पिंड कहते हैं। सेलेशियल बॉडी मीन्स आकाश में, मतलब सेलेशियल मूव करने वाले सेलेशियल पिंड, यानी सेलेशियल बॉडी कहा जाता है। चंद्रमा, पृथ्वी, मून, ये जितने भी अर्थ, ये सब सेलेशियल बॉडी है। तो ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, एन ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स बट नॉट ऑन द अर्थ इज सेड टू बी अ सेलेशियल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, सन, अर्थ, मून एंड स्टार्स एक्सेट्रा, ये क्या है, सेलेशियल बॉडी कहलाते हैं। ये याद रखना है कि आपसे पूछिए व्हाट डू यू मीन बाय सेलेशियल बॉडी, मतलब जितने भी यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड में घूमने वाले पिंड हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडी। आप अपने ढंग से भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा पूछेगा स्टार, अ सेलेशियल बॉडी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाई बींग वेरी हॉट एंड बिग एंड मेड ऑफ गैसेस इज अ स्टार, मतलब वह सेलेशियल बॉडी जो बड़ा है, प्लैनेट से बहुत बड़ा होता है स्टार। सन प्लैनेट है कि स्टार है, सॉरी माफ करना, सन प्लैनेट है या स्टार है, तो आपको कहना है कि स्टार है। तो ये क्या है, अ सेलेशियल बॉडी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग वेरी हॉट एंड बिग एंड मेड ऑफ अ गैसेस, जो कि गैस से बना होता है, जिसके पास अपना लाइट होता है। लेटर ऑन यू विल बी आस्क्ड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट, स्टार में और प्लैनेट के बीच में क्या अंतर है। तो आप बताओगे कि जो प्लैनेट होता है उसका अपना लाइट नहीं होता, वो स्टार यानी कि सूरज या किसी दूसरे की रोशनी से चमकता है, बट स्टार हैज देयर ओन लाइट, मतलब स्टार के पास अपना प्रकाश होता है। तो ये स्टार का है। अ सेलेशियल बॉडी दैट इज कैरेक्टराइज्ड,
by being very hot and big and made of a gases is a star. A star typically has its own heat and light. ये आपको बताना है. दूसरा पूछेगा फुल मून नाइट क्या होता है. पूर्णिमा की रात जिस दिन चांद पूरा दिखता है. पूर्णिमा की रात फुल मून नाइट जहां जिस दिन चांद पूरा दिखता है. अ नाइट व्हेन द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ एज अ फुल स्फीयर कॉल्ड फुल मून नाइट एंड इट अकर्स वंस इन अ मंथ. महीने में एक बार होता है. हिंदी महीनों के जो नाम है चैत्र वैशाख अपने मम्मी पापा से आप पूछोगे तो आपको बताएंगे. गार्जियन देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को बताएं कि कैसे महीनों के नाम होते हैं. ज्येष्ठ अषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विनी कार्तिक है ना मार्गशीर्ष जिसको अगहन भी कहते हैं पुष माह. तो ये सारे हिंदी महीनों के नाम इससे भी डिसाइड होता है. दूसरा है न्यू मून नाइट. न्यू मून नाइट का मतलब होता है न्यू मून नाइट को हिंदी में अमावस्या की रात कहते हैं. अमावस्या मतलब जिस दिन फुल डार्क होता है मतलब चंद्रमा नहीं दिखता है. द 15th नाइट आफ्टर द फुल मून नाइट मतलब फुल मून नाइट के बाद 15वां दिन जो होता है 15th डे उसको हम कहते हैं फुल मून नाइट. व्हेन द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल इन द स्काई. व्हेन मून इज नॉट विजिबल एट ऑल इन द स्काई इज कॉल्ड न्यू मून नाइट. उसको कहा जाता है न्यू मून नाइट. देखो बच्चों ये सेलेशियल बॉडी मतलब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है. छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसको आपको देखना है. प्लैनेट्स के बारे में स्टार के बारे में सेलेशियल बॉडी के बारे में लाइट के बारे में यही सब चीज़ें हैं. आप गौर से इस चैप्टर को देखो पढ़ो समझो और इस वीडियो को देखो एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसमें ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है. देखिए न्यू मून नाइट के बाद अब आ रहा है न्यू मून नाइट के बाद आ रहा है कॉन्स्टेलेशन. क्या कहते हैं इसको कॉन्स्टेलेशन. ये क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टेलेशन इफ यू आर आस्क्ड. तो कॉन्स्टेलेशन क्या है. अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्टार्स विच कैन यूजुअली. देखो तारों के ग्रुप को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. जानवरों के ग्रुप को हर्ड कहते हैं. हर्ड मतलब झुंड होता है झुंड. डकैत के ग्रुप का अलग नाम होता है. पार्लियामेंट कहा जाता है. आप देखना कि ग्रुप ऑफ आउल उल्लू के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है. आप कहोगे सर पार्लियामेंट तो कहते हैं संसद को यानी पार्लियामेंट जहाँ पे नहीं देख पढ़ोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब इसका होता है इंग्लिश में वर्ड है कि अनेक शब्दों के एक शब्द तो उसमें पढ़ोगे. तो ग्रुप ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. ग्रुप ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. बोलो मेरे साथ ग्रुप ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. हो गया. तो ये है अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्टार्स विच कैन यूजुअली बी रिकग्नाइज बाई अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. एग्जाम्पल उर्सा मेजर. आपसे पूछेगा कि एक कॉन्स्टेलेशन का उदाहरण. इसमें एक कंडीशन और भी है केवल ग्रुप ऑफ स्टार नहीं होना चाहिए उसका एक पैटर्न बनता है. कभी आप आकाश की तरफ देखोगे गाँव में जाओगे शहरों में तो ज़्यादा पॉल्यूशन के कारण जो आकाश है वो बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिखाई देता लेकिन आप साफ सुथरे जगह यानी गांव में या कहीं पे जाते हैं तो आप देखोगे कहीं पे क्वेश्चन मार्क होता है कहीं पे अलग अलग पैटर्न भालू का नज़र आएगा कहीं पे कुछ आएगा. तो उस पैटर्न को कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन. क्या कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन. तारामंडल कहा जाता है हिंदी में. प्लैनेट मैंने बताया. स्टार मतलब जिसका ओन लाइट होता है चमकता है गैसेस पिंड है. प्लैनेट मींस द सेलेशियल बॉडी बॉडी व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द स्टार. ये क्या कह रहा है. अ सेलेशियल बॉडी व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड पर्टिकुलर स्टार स्टार इन ऑर्बिट एंड गेट्स ऑल इट्स लाइट्स फ्रॉम द स्टार इज कॉल्ड प्लैनेट. अर्थ इज अ प्लैनेट. अर्थ क्या है. प्लैनेट है आठ प्लैनेट. मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून ये सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर मूव करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में. ऑर्बिट मतलब पथ पे. तो प्लैनेट समझ में आया. दोनों के बीच में फर्क समझना है. स्टार और प्लैनेट. स्टार अपना लाइट. प्लैनेट एमिट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द स्टार्स. और स्टार अपना होता है समझ रहे हो. स्टार बिगर होता है प्लैनेट से और प्लैनेट एज कंपेयर टू स्टार आर स्मॉलर छोटा होता है. तो आप अच्छे से पढ़ोगे. सैटेलाइट क्या होता है. सैटेलाइट के बारे में बता दूं. यदि किसी प्लैनेट के चारों ओर कोई दूसरा सेलेशियल बॉडी मूव करता है तो उसको हम सैटेलाइट कहते हैं. क्या है. अ सेलेशियल बॉडी. देखो
स्टार के चारों ओर मूव करने वाले बॉडी को प्लैनेट कहते हैं। क्या कह रहा हूं, स्टार के चारों ओर मूव करने वाले प्लैनेट को, सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहा जाता है, और जो प्लैनेट के चारों ओर मूव करता है ऑर्बिट में उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। अ सेलेस्टियल बॉडी व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मतलब एक होता है बड़ा फिर उसके नीचे, समझ रहे हो ना बात। ये हमारा भी कोई गुरु, आप मैं आपका गुरु, फिर आप भी किसी के बनोगे, भविष्य में पढ़ोगे लिखोगे टीचर यदि बनते हो या प्रोफेसर बनते हो, तो ऐसे होता है। तो मतलब समझ में आई बात, प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करता है और मून प्लैनेट यानी अर्थ के चारों ओर मूव करता है। तो सबके बीच में अंतर को समझना है। अब है ऑर्बिट, ऑर्बिट अपना रास्ता, मतलब जैसे ये सूरज है ना और इसके चारों ओर ये मूव करता है तो इसको ऑर्बिट कहा जाता है। ये सूरज है, ये ऑर्बिट कहलाता है। पूरा स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा एलिप्टिकल है, मतलब टेढ़ा है पूरा ऐसा। द पर्टिकुलर एंड डिफिनिट एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल पाथ मतलब थोड़ा टेढ़ा वाला, थोड़ा ऐसे अंडाकार, नॉट कंप्लीट स्फेरिकल, इन विच प्लैनेट और अ सैटेलाइट ऑलवेज रिमेन्स इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ दैट प्लैनेट और सैटेलाइट। उस प्लैनेट का या सैटेलाइट का अपना जो रास्ता होता है जिस पे वो मूव करता है उसको कहते हैं हम ऑर्बिट। इस चैप्टर में इन सब शब्दों के बारे में ही है, वर्ड्स के बारे में, और अच्छे से पढ़ने के बाद चैप्टर को एक बार रीड कर लोगे, यू विल फाइंड दैट यू विल फील दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स विच यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए आगे क्या देखा, ऑर्बिट के बारे में हमने समझ लिया, ऑर्बिट के बारे में समझ लिया, ये सन है। अब इलेप्टिकल बॉडी पे ये क्या करते हैं, प्लैनेट रिमूव करते, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इलेप्टिकल ऑर्बिट पे, और ये चारों तरफ क्या बनता है इसका इलेप्टिकल पाथ जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। तो इस चैप्टर में मुझे लगता है कि अब सारी बातें आपको बताया है, कुछ बातें हैं जो समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कुछ प्लैनेट के बारे में दिया गया है, ये पिक्चर आप अपने बुक में पढ़ोगे और सबके बारे में दिया गया है ना, आठ प्लैनेट है ना मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सा, मरकरी, उसके बाद कौन है, मूव माइकल जैक्सन, वीनस, फिर है अर्थ, मार्स, और इसके बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में गैसियस एस्टेरॉइड्स कहा जाता है इसको, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, आठ प्लैनेट है, सबके बारे में दिया गया है कुछ ना कुछ बातें। मैं थोड़ी थोड़ी बात बताता हूँ। वीन मरकरी के बारे में पूछा जाएगा तो कहना सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन है, सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट है। वीनस सबसे ब्राइट प्लैनेट है, मतलब सबसे चमकीला है। अर्थ के बारे में क्या कहा जाए, इस पे जीवन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, फेवरेबल फॉर द ह्यूमन बींग टू लीव, मतलब मानव के लिए रहने के लिए एक अनुकूलित फेवरेबल जगह है। और अर्थ और मार्स, मार्स मंगल, इसके इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, फोबोस डिमोस इसके अलग अलग वो हैं। और जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न, सैटर्न इसके चारों ओर गैस का एक रिंग बना हुआ है। यूरेनस सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब सेकेंड लास्ट है। और नेपच्यून सबसे लास्ट का प्लैनेट है, सबसे ठंडा, सबसे कूल प्लैनेट होगा। कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है, एक एक बात याद रखना। मरकरी क्लोजेस्ट टू द सन, वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट, अर्थ फेवरेबल फॉर लिविंग ऑफ द ह्यूमन बींग, मार्स रेड प्लैनेट, जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट, सैटर्न हैज गैस रिंग अराउंड इट, यूरेनस ना सेकेंड लास्ट, एंड नेपच्यून इज द लास्ट एंड कूलेस्ट प्लैनेट कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो ये समझ में आपको याद रखनी है। अब मैं इसको इरेज कर लूँ, आगे बढ़ाता हूँ। और इसमें क्या है, सोलर सिस्टम आपसे पूछता है तो क्या कहोगे, सो द सन एट प्लैनेट्स सैटेलाइट्स एस्टेरॉइड्स एंड मीटोराइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम इन सारे तारों के समूह, इस सारे इनको परिवार को कहा जाता है। परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, उसमें कौन कौन है, सूरज है, आठ प्लैनेट हैं, सैटेलाइट है, सैटेलाइट वही प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाले, एस्टेरॉइड्स हैं,
है ना, मीटोराइड्स है, और ये सारे मिलके सोलर सिस्टम यानी बनाते हैं, जिसको हिंदी में सौर परिवार कहा जाता है। सोलर सिस्टम, सन आपको पता है कि स्टार है, आपसे पूछेगा सन प्लेनेट है कि स्टार है, वो डू यू अंडरस्टैंड, तो कहना है स्टार है, स्टार इसका अपना एक लाइट है, तो दैट एक्ट्स एट द हेड, सोलर सिस्टम का मुखिया है, जैसे आपके पापा आपके फैमिली के हेड मेंबर है, या आपके दादाजी या आपकी मम्मी, ऐसे हेड ऑफ द फैमिली है। कह रहा है कि इनर प्लैनेट, द इनर प्लैनेट्स आर द प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन बिटवीन द सन एंड द एस्टेरॉइड्स। इनर प्लैनेट यदि कहा जाए तो इनर प्लैनेट मैं थोड़ा सा एक बार दिखाता हूं, इनर प्लैनेट इसके ऑर्बिट इसके अंदर वाला ये सारा इनर प्लैनेट कहलाता है। एस्टेरॉइड्स के बीच मतलब ये चार, एक दो तीन, ये चार प्लैनेट इनर प्लैनेट है या आउटर प्लैनेट है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आउटर प्लैनेट्स कौन सा है, द आउटर प्लैनेट्स आर द प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट द सन बियॉन्ड द एस्टेरॉइड्स, दैट इज अ वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, दीज आर जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। मैंने बताया ना, जुपिटर से लेकर लास्ट तक के जो प्लैनेट्स हैं वो सारे आउटर है, और जुपिटर से इधर का जो चार प्लैनेट है वो इनर है, चार इनर चार आउटर। कह रहा है कि पोज द टू प्लेसेस ड्रामेटिकली अपोजिट टू ईच अदर एंड व्हिच लाई ऑन द एक्सिस अबाउट व्हिच ए स्फेरिकल बॉडी रोटेट्स आर कॉल्ड पोल्स। पोल्स क्या कह रहा है, द टू प्लेसेस ड्रामेटिकली अपोजिट टू ईच अदर, मतलब मैं फिगर बना के बताऊं, जैसे ये सन है ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पोल कहलाता है, ये इक्वेटर कहलाता है, ये आप पढ़े हो, आगे पढ़ोगे। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सेलेशियल बॉडी व्हिच मूव अराउंड द सन एंड मेनली प्रेजेंट इन अ बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। छोटे छोटे पिंड होते हैं एस्टेरॉइड्स, ये प्लैनेट नहीं होते, स्टार नहीं होते, छोटे छोटे सेलेशियल बॉडी में ही आता है जो इसके बीच में होता है। नंबर टाइनी सेलेशियल बॉडी व्हिच मूव अराउंड द सन, जो सूरज के चारों तरफ घूमता है, ठीक है ना, प्लैनेट नहीं होता, इसको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स। मेटेराइड क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर, और ये रॉक होता है छोटे छोटे, इसको क्या कहा जाता है, मेटेराइड्स। अब सन के बारे में क्या दिया है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूरज के बारे में चार बातें कहोगे तो क्या कहोगे, ये हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, फैमिली है। इसके बाद क्या कह रहा है, इट इज द मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये बहुत गर्मी वाले हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। सूरज से आने वाली पृथ्वी पे जो लाइट होती है उसको 8 मिनट समथिंग सेकेंड्स लगते हैं, 8 मिनट भी मान लिया जाए समथिंग सेकेंड्स है तो इतने देर लगता है, जबकि एक सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करते हैं। बच्चों समझो, एक सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले ये मतलब सनलाइट को 8 मिनट लगता है पृथ्वी तक आने में, इसलिए कहा जाए 150 मिलियन किलोमीटर अवे है किससे, इससे। अब आगे हम देखें तो अब सभी प्लैनेट के बारे में, या सभी प्लैनेट नहीं, कुछ कुछ अर्थ के बारे में दिया हुआ है। ये कहाँ गया भाई, ये क्यों आ रहा है, देर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। देर आर प्लैनेट में क्या है, देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम पूरे में, उसका नाम क्या है, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, सूरज के चारों तरफ एक मुंह में घूमते हैं। मैंने आपको बताया ये मान लो सन है तो आप मूव ओ नहीं होता, माइकल जैक और सन, ये कोट लेके आठों प्लैनेट का नाम याद कर सकते हो, एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, सैटर्न नहीं दिया रे, वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न छूट गया, सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, इसमें सैटर्न छूटा हुआ है।
अब ये कह रहा है कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट। मरकरी देखते हो ना, मरकरी जो है ये सबसे नजदीक का प्लैनेट है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अर्थ के बारे में कहेगा तो कहना कि ये थर्ड प्लैनेट है। क्या है ये थर्ड प्लैनेट है? इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। आपको मैंने बताया ना, तीसरा है, पहला मरकरी है, दूसरा वीनस और तीसरा अर्थ है, तीसरा प्लैनेट है। यही एकमात्र प्लैनेट, इसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, जहाँ पे जीवन संभव है, वेयर लाइफ इज पॉसिबल, ऑक्सीजन इज फेवरेबल, वाटर इज फेवरेबल फॉर ह्यूमन बींग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, और ये इट्स शेप इज जियोइड, मतलब इस तरह का एक शेप है, पूरा स्फेरिकल नहीं है और न ही पूरा एलिप्टिकल है। तो आइए अब देखते हैं मून के बारे में क्या कह रहा है ये। मून के बारे में क्या कह रहा है? इट इज द, मून क्या है? पृथ्वी के चारों घूमने वाला सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट है। अब आर्यभट्ट क्या है? आर्टिफिशियल, जो हमने छोड़ा है। तो ये ध्यान, ये बाद में पढ़ोगे। इट इज क्या कह रहा है? इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी, सभी प्लैनेट का अपना अपना सैटेलाइट है, बहुत सारे सैटेलाइट, सैटर्न के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं और भी प्लैनेट के हैं, लेकिन पृथ्वी यानी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। आपको कहना मून। इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का 1/4 है, यानी कि 1/4 पार्ट है, चार टुकड़ों में एक टुकड़ा कहा जा सकता है। इट इज अबाउट 384,000 है ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दजार लाख, हाँ 384,400 किलोमीटर, 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द, फ्रॉम अस, मतलब पृथ्वी। इट मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 डेज, 27 दिनों में एक चक्कर काट लेता है पृथ्वी का। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, अब स्फीयर रखोगे तो एक ही साइड दिखेगा ना। नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून एज इट्स हैज नीदर वाटर नॉर एयर, चंद्रमा पर न तो पानी है न ही एयर है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी जिंदगी नहीं है। चंद्रमा पे कोई जाता है तो लिख के बात करता है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इशारों में बात करता है। वहाँ पे लिखोगे तो कलम चलेगा ही नहीं, पेंसिल से। थ्री इडियट्स में नहीं देखे हो, वो अलग नींव बनाता है, कहा कि पेंसिल से क्यों नहीं लिख लिया। तो ये आपने देखा होगा। अब एस्टेरॉइड्स आपके दिमाग में आया होगा कि क्या है। दे आर numerous टाइनी बॉडी विच मूव अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये पहले भी बता दिया है, लेकिन फिर से इसका एक कंप्लीट डिफिनेशन है। जो जुपिटर और मार्स के बीच में एक सेलेशल बॉडी होता है, मूव करता है। द लार्जेस्ट एस्टोराइड इज द सीरस, CERS। सबसे बड़ा एस्टोराइड्स कौन सा है? तो सीरियस है, साइरस कहा जाता है इसको। मेस्टोराइड्स क्या है? द स्मॉलेस्ट पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटोरॉइड्स। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, सबसे समझ, मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी वॉज नेम्ड आकाशगंगा, इसका नाम आकाशगंगा है। There are millions of galaxies that makes the universe. देखो, सबसे हमारा अर्थ प्लैनेट, प्लैनेट के बाद क्या? सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद मिल्की वे वाला नाम है, और इसके बाद यूनिवर्स। मतलब सबसे पहले हमारा परिवार या मैं, फिर फैमिली, फिर गांव, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर कंट्री, फिर ऐसे होता है ना, ऐसे ही है ये। सबसे छोटा प्लैनेट, फिर उसके बाद सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद गैलेक्सी, तारों का समूह, और गैलेक्सी के बाद क्या आएगा? यूनिवर्स। ये सब है आकाशगंगा। यूनिवर्स सबसे बड़ा है। द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लीव, इन विच वी लीव। इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज, देर इज ओनली वन यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इट्सेल्फ। पूरे, मतलब यूनिवर्स एक ही है, यूनिवर्स के बढ़ाने का पूरा ब्रह्मांड फैल गया तो नहीं कहता। एक आपने पढ़ा होगा कि एक होता है वर्ल्ड का, मतलब ब्यूटी क्या, तो सुन रही हो, तो मिस यूनिवर्स होता है, एक मिस वर्ल्ड होता है। तो मिस वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड का, केवल पृथ्वी का, और मिस यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड का। वो नाम दिया गया, ऐसा कुछ है नहीं, नाम दिया गया कि प्राइज के संदर्भ में, बाकी कुछ बात नहीं है। तो ये चैप्टर मुझे लगता है कि आप अच्छे से आप समझ गए होंगे। और
अब इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप पांचवी से छठी में आए हो, मुझे बेहद खुशी है एंड आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप सिक्स क्लास में आए हो। जो गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को प्रेरित करें, इंस्पायर देम टू वॉच दिस वीडियो, आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। यदि आप बने रहते हो इस चैनल के साथ तो मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में तीन अलग अलग बुक है, ज्योग्राफी मतलब SST में तीन बुक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। आई विल टीच यू वेरी कंफर्टेबली एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी कंफर्टेबली। मुझे होप है, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से देखे होंगे। आपको आठ प्लैनेट में से सबसे बेहतरीन प्लैनेट कौन सा लगता है, इसकी क्या विशेषता है, या एक आप एग्जाम अपना बताना कि आई लाइक अर्थ, आई लाइक जुपिटर, आई लाइक मार्स, या उसका रीजन भी दे देना, नहीं तो नाम लिखना। थैंक यू वेरी मच।